नमस्कार प्यारे दोस्तों, आयुर्वेदिक चैनल आरोग्य भव में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आंवले के सेवन से 10 प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की जानकारी आपको दी थी, जिनके नाम हैं आम्लपित्त मतलब एसिडिटी, मूत्राश्मरी मतलब पेशाब की पथरी, आमाशयव्रण मतलब पेट का घाव, छर्दी मतलब उल्टी होने की बीमारी, तृष्णा मतलब बार बार अत्यधिक प्यास लगने की बीमारी, प्रमेह रोग मतलब यूरिनरी डिसऑर्डर्स, मूत्र क्रच मतलब रुक रुक कर जलन और दर्द के साथ पेशाब आने की बीमारी, पालित्य मतलब उम्र से पहले या समय से पहले बाल सफेद होने की समस्या, शीत पित्त मतलब पित्ती उठना या पित्ती उछलना, और दसवीं बीमारी थी खालित्य मतलब गंजेपन की शिकायत। और आज की इस वीडियो में 11वीं बीमारी बाल दुग्ध वमन मतलब बच्चों में दूध उलटने की समस्या, इस बीमारी को आंवले के सेवन के द्वारा किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, आज मैं इसकी जानकारी आपको दूंगा। ज्यादा छोटे बच्चों में दूध उलटने की समस्या देखी जाती है और कुछ बड़े बच्चों में साधारण तौर पर भी उल्टियां करने की शिकायत देखी जाती है। तो पहले छोटे बच्चों में दूध उलटने की समस्या को आंवले के सेवन से किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं ये जान लेते हैं। सूखे आंवले का पाउडर 5 ग्राम और सेंधा नमक पिसा हुआ 5 ग्राम, इन दोनों को बराबर मात्रा में लेकर मिलाकर रख लें और इसमें से एक चुटकी या दो चुटकी पाउडर लेकर किसी चम्मच में डालकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर बच्चे को उंगली से सुबह दोपहर शाम एक दिन में 3 बार चटाएं। ऐसा करने से छोटे बच्चों में दूध उलटने की समस्या समाप्त होती है। और हाँ, 3-4 दिनों तक लगातार इस नुस्खे का सेवन करने से बच्चों में दूध उलटने की समस्या समाप्त हो जाती है। अब जानते हैं दूसरा नुस्खा। अब यदि किसी कारणवश आपके पास घर में पिसा हुआ सेंधा नमक या व्रत वाला नमक नहीं है तो उस स्थिति में केवल सूखे आंवले का पाउडर एक या दो चुटकी चम्मच में लेकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम बच्चे को उंगली से चटा देने से भी बच्चा दूध उलटने की समस्या से छुटकारा पा लेता है। अब थोड़ी सी बड़ी उम्र के बच्चे, लगभग 2 साल से बड़ी उम्र के बच्चे सफेद पीली हरी झागदार उल्टी पतली उल्टी करते हैं तो उन बच्चों के लिए पीपली का चूर्ण, काली मिर्च का चूर्ण और सूखे आंवले का चूर्ण, इन तीनों को थोड़ा थोड़ा सा बराबर बराबर मात्रा में लेकर एक जगह मिलाकर रख लें। अब इस मिश्रण में से लगभग 2 चुटकी या 0.5 ग्राम या बच्चे की उम्र अवस्था के हिसाब से किसी चम्मच में लेकर थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में 3 बार बालक को चटाएं। खाना खाने या दूध पीने के बाद सुबह, इसी प्रकार दोपहर को, इसी प्रकार शाम को खाना खाने के बाद या दूध पीने के बाद, इस प्रकार इस नुस्खे का सेवन करने से बड़े बच्चों में भी उल्टी करने की समस्या दूर हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये आंवले की सीरीज बहुत पसंद आई होगी और इसमें बताई गई 11 बीमारियों में से यदि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आंवले का सेवन करते हैं या करवाते हैं तो आपको उससे बहुत जल्द और बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आप अपने सजेशंस और फीडबैक इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक और ज्ञानवर्धक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।